मुगल नर कंकाल मामला रिश्तों को तार तार करती कहानी। पत्नी देवर सहित परिवार के सदस्यों ने मिलकर समोसे की चटनी में जहर देकर मारा था। 1.5 साल तक छिपा कर रखा था भूसे वाली जगह में शव को। 4 गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। मऊगंज नर कंकाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पहचान के साथ पत्नी देवर गिरफ्तार, 2 व्यक्ति फरार। 25 अक्टूबर को मिला था नर कंकाल। मऊगंज में मिले नर कंकाल की पहचान के साथ हत्यारों का खुलासा। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश। के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने 25 अक्टूबर को मऊगंज के निबिया के जंगल में मिले कंकाल की पहचान करने के साथ हत्या के कारणों सहित हत्यारों का भी खुलासा कर दिया। देवर से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश। मऊगंज थाना क्षेत्र के भाटी जंगल में मिले नर कंकाल की गुत्थी को पुलिस ने 4 दिन में ही सुलझाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नर कंकाल राम सुशील पाल का था। उसकी पत्नी ने अपने देवर सहित कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला था। पकड़े गए आरोपियों में मृतक की पत्नी सहित एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। विगत 25 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी निबिया गांव के कंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करवाई। उसकी पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया तो अंधी हत्या का खुलासा हो गया। देवर के प्रेम प्रसंग में फंसकर पत्नी ने हत्या की साजिश रची और गला रेत कर शव को भूसे में दबा दिया था। बाद में मौका पाकर जंगल में फेंक दिया। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए बताया। दिनांक 25 अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में, और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। मृतक की पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई है। लगभग 42-43 वर्ष उनकी उम्र है और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। इसमें एग्जैक्ट अभी डेट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसमें जो मृतक है उनकी दूसरी पत्नी जो उनके साथ रहती थी, वो साथ ही साथ उनके 2 छोटे भाई आरोपी हैं। इसके साथ साथ मृतक के शव को छुपाने में अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई जो कि उनके परिवार के मेंबर्स हैं। अभी हम लोगों ने 6 में से 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। 2 आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई है और जो हत्या हुई है वो समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं।